हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ मीनू ठाकुर। आज के करंट अफेयर्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मे बी यूपीएससी पूछ ले इस प्रीलिम्स 16 जून को, विद रेफरेंस टू वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। अभी क्या था, 17 मई को डे मनाया गया है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। ठीक है जी, चलिए, आज 20 तारीख है, 17 मई को ये दिन मनाया गया है। इसके कंटेक्स्ट में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, तीन स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है करेक्ट कौन सी सही है। इट कमेंसमरेट द फाउंडिंग ऑफ द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इन 1865 व्हेन द फर्स्ट इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन वॉज साइंड। ठीक है, पूरा फैक्चुअल है, कोई दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ याद करना है। सेकेंड स्टेटमेंट, द वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी कॉल्ड अपॉन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली टू डिक्लेयर May 17 एज द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। दिस ईयर्स वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 2024 फोकस्ड ऑन द थीम एम्पावरिंग द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। तो ये थीम है, ये क्यों मनाया जाता है उसके उपलक्ष्य में बताया है, और इस दिन और क्या इवेंट हुआ था, ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो देखते हैं कौन सी सही है। पहली स्टेटमेंट अगर मैं बात करूँ तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि 1865 को इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है वो स्थापित की गई थी, उसकी याद में फर्स्ट इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन वो साइन हुआ था, तब ये आपका 17 मई जो है ये आपका बनाया गया, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है कि भाई 2005 को अगर हम फॉलो करते हुए वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी कॉल्ड अपॉन द यूनाइटेड जनरल असेंबली टू आल्सो डिक्लेयर 17 मई एज वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। तो आपका ये जो 17 मई है, एक तो आपका क्या मनाया जाता है, पूरा वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। ठीक है, और आपका ये इसी दिन डिक्लेयर किया गया कि आपका जो ये 17 मई है उस दिन आपको क्या मनाना है, वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। ठीक है, तो अब आते हैं हम थर्ड पे। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि थीम आपकी ये नहीं है, थीम आपकी क्या है, डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल वर्ड ना आपको हर जगह देखने को मिलेगा, इसलिए ये थीम कभी भी ऐसे आए तो आपको थोड़ा चेक कर लेना है कि भैया सस्टेनेबल से तो रिलेटेड नहीं है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। सिर्फ दो स्टेटमेंट आपकी सही हुई, पहली और दूसरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरामत, ये जो हरामत है ये अभी न्यूज़ में था, तो ये न्यूज़ में ये जो वर्ड है ये क्यों था, ये हमें फाइंड आउट करना है। इट इज़ अ रिसेंटली डिस्कवर्ड ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर नाइल। इट इज़ अ स्मॉल पैच ऑफ फर्टाइल लैंड इन अ प्रेजेंट डे इन हॉस्पिटेबल एरिया ऑफ द सहारन डेजर्ट, विच एक्सप्लेन्स परफेक्टली द अर्लियर एंटिसिपेशन अबाउट द हाई पिरामिड डेंसिटी बिटवीन गीजा एंड लिस्ट द साइट ऑफ द मिडल किंगडम बुरिल्स। इन अरेबिक टर्म्स इट ट्रांसलेट्स टू पिरामिड। अब देखो अभी ये रेलिवेंस में क्यों था, अभी हाल में आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या एक एविडेंस उन्हें मिला है, न्यूली मैप्ड लॉस्ट ब्रांच ऑफ द नील कुड हेल्प सॉल्व लॉन्ग स्टैंडिंग पिरामिड। जो बड़े बड़े पिरामिड्स हैं, है ना, इतने बड़े पत्थर के, इतने टन्स के, इतने भारी जो पिरामिड है, ये अपने आप कैसे बने, ये एक अपने आप में मिस्ट्री है। ठीक है, इजिप्ट की मिस्ट्री है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए दिन रात स्टडी रिसर्चर्स अपना काम करते हैं, उसी में उनको एक एविडेंस मिलता है कि हो सकता है इस पिरामिड के आसपास से नील रिवर जो है वो बहती हो, और रिवर आपको पता ही है जब बहती है तो कंकड़ वगैरह सब ले जाकर एक साइड इकट्ठा करती है, मतलब ये एक एजम्पशन लिया गया है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी क्या था कि आपकी यूनिवर्सिटी जो नॉर्थ कैरोलिना विलिंगटन यूनिवर्सिटी है, इनके रिसर्चर्स ने ये फाइंड आउट किया है कि ये एक सीक्रेट निकालने की कोशिश की है कि जो इजिप्ट है ये कैसे इसमें पिरामिड मिले हैं। तो लॉन्ग लॉस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द नील रिवर डेट कुड पॉसिबल हेल्प साइंटिस्ट सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ दिस पिरामिड्स। तो ये जो हरामत है ये नदी है, इसे नील रिवर का ट्रिब्यूटरी भी कहा गया है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, और इसीलिए अरेबिक में इसे पिरामिड कहा गया। द डिस्कवरी ऑफ द रिवर ब्रांच फिट्स परफेक्टली इनटू द अर्लियर एंटिसिपेशंस अबाउट द हाई पिरामिड डेंसिटी बिटवीन द गीजा एंड लिस्ट। ठीक है, भारत है, बाद में ही पीछे आवाज़ें आती है, प्लीज़ अवॉइड कर देना। चलिए, अ प्रेजेंट डे इन हॉस्पिटेबल एरिया ऑफ द सहारन डेजर्ट, हेंस स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ये कोई लैंड नहीं है, ये एक रिवर की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
मिलान के ऊपर है, बताना है कौन सा पेयर आपका नहीं करेक्टली नहीं नॉट करेक्टली मैच्ड है। एम्पटी क्वार्टर न्यूजीलैंड में है, एरी हाईवे यूनाइटेड किंगडम में है, रुप अल खाली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। कौन कौन से पेयर सही मैच्ड है? तो भैया मैं आपको बता दूं कि कोई भी मैच नहीं है। कैसे नहीं है? और कोई भी मैच नहीं है तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका डी आंसर, क्योंकि नॉट करेक्टली पूछ रहा है। देखिए जो ये इरे हाईवे है, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा लंबा हाईवे था जिसने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी पार कर दिया था। बट अब सऊदी अरेबिया के हाईवे 10 ने इसको वर्ल्ड का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट स्ट्रेट रोड बताया है, जिसने ऑस्ट्रेलिया के इरे हाईवे को सरपास कर दिया। ठीक है, ये चर्चा में था इसलिए ये एक पेयर बन गया, एक न्यूज़ में आ गया करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो यूनाइटेड किंगडम में नहीं, आपके ऑस्ट्रेलिया में है। दिस अचीवमेंट मेक्स और मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफरिंग ट्रेवलर्स एन अनपैरेलल्ड पैलेट जर्नी अक्रॉस वास्ट डिस्टेंस विथ अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यूज। ठीक है जी, चलिए सेकेंड और थर्ड पेयर क्यों गलत है ये देखिए। फर्स्ट एंड थर्ड क्यों गलत है? एम्प्टी क्वार्टर एंड रूबल खाली। देखो पहले बात तो ये समझ लो, जो रूबल खाली है और आपका एम्प्टी क्वार्टर, ये दोनों सेम है, कोई अलग अलग नहीं है। ये बेसिकली एक डेजर्ट है, ठीक है? तो ये डेजर्ट है जिसे एम्प्टी क्वार्टर भी कहा जाता है। द लार्जेस्ट सैंड डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ये सबसे जो सैंड डेजर्ट है, सबसे बड़ा वर्ल्ड में डेजर्ट है, विदाउट एनी बैंड्स लेफ्ट और राइट और एनी अप्रिशिएबल ग्रेडेड अप और डाउन। तो सबसे बड़ा ये आपका डेजर्ट है, ठीक है? थोड़ा इसके बारे में और जानते हैं, हो सकता है यूपीएससी सिर्फ ये डेजर्ट के बारे में ही पूछ ले। रूबल खाली सैंड डेजर्ट, ये बहुत बड़ा डेजर्ट है जो कि साउदर्न अरेबियन पेनिनसुला में पाया जाता है, मतलब वहाँ पे स्थित है। ये कंस्टिट्यूट करता है लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ अरेबियन डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट का लार्जेस्ट पोर्शन ले लेता है। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 250,000 स्क्वायर माइल्स इन अ स्ट्रक्चरल बेसिन लाइंग मेनली इन साउथ ईस्टर्न सऊदी अरेबिया विद लेसर पोर्शंस ऑफ येमन। इसका जो एरिया है इस डेजर्ट का, कुछ पोर्शन येमन में भी है, ओमन में भी है और यूएई में भी है, ठीक है? दिस रूबल खाली सैंड डेजर्ट मोस्ट ऑफ विच लाइज विद इन सऊदी अरेबिया। तो सबसे ज़्यादा ये कहाँ लाई कर रहा है? ये सऊदी अरेबिया में सबसे ज़्यादा इसका पोर्शन कवर हो रहा है। रूबल खाली इज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ कंटिन्यूस सैंड इन द वर्ल्ड। क्या होता है डेजर्ट्स में, टूटे फूटे मतलब, या थोड़ा सा मतलब कि उसमें क्या होता है, कंटिन्यूस नहीं होता, नॉन कंटिन्यूस होता है, थोड़ा यहाँ पे फिर गैप है, फिर स्टार्ट हो गया। लेकिन ये एक ऐसा लार्जेस्ट एरिया है जो कंटिन्यूस डेजर्ट है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है? देखिए इस तरीके से ये आपका रूबल खाली हो गया। सऊदी अरेबिया में इसका लार्जेस्ट पोर्शन है, थोड़ा थोड़ा इसका ओमन और येमन में भी है, यहाँ से और यूएई में भी है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि दिस इज ओनली इन सऊदी अरेबिया, नहीं, ये आपका येमन, ओमन और यूएई में भी है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइंस के ऊपर है, आर्टेमिस थर्ड। अभी हाल ही में चर्चा में था, न्यूज़ में था आर्टेमिस थर्ड। अब इसके बारे में क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। न्यूज़ में क्यों था ये पहले देख लो। नासा जो कि अमेरिका का आपका पता ही है एजेंसी है, नासा एस्ट्रोनॉट्स टर्न्स एरिजोना डेजर्ट इनटू प्रैक्टिस ग्राउंड फॉर आर्टेमिस थर्ड मून वॉक। अब यहाँ पे गलत हो जाएगा पहली स्टेटमेंट, पहली नहीं आपकी ये स्टेटमेंट होगी कौन सी, फोर्थ में। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टेमिस थर्ड ये है क्या? ये अमेरिका का एक नासा द्वारा चलित प्रोग्राम है, ठीक है? अब आर्टेमिस थर्ड आया है जिसका शेड्यूल रखा गया है, इट विल लॉन्च इन 2026 विच विल सी ह्यूमन लैंडिंग ऑन द मून ओवर 50 ईयर्स सिंस मैन लास्ट लैंडेड ऑन द लूनर सरफेस। तो पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि भाई 50 सालों में ऐसा होने जा रहा है कि भाई जो चांद है उस पर ह्यूमन को उतारा जाएगा 2026 में नासा द्वारा। आर्टेमिस थर्ड मिशन एम्स टू मेक हिस्ट्री बाय लैंडिंग ह्यूमन्स ऑन द लूनर नॉर्थ पोल, ठीक है? माइंड इट, नॉर्थ होता है साउथ होता है तो ये क्या सही है गलत है ये देखना है। थ्रू आर्टेमिस नासा विल लैंड द फर्स्ट वुमेन, द फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर एंड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल पार्टनर एस्ट्रोनॉट ऑन द मून। नासा एस्ट्रोनॉट्स हैव टर्न अटाकामा डेजर्ट इनटू प्रैक्टिस ग्राउंड फॉर द आर्टेमिस थर्ड मून वॉक विच हैज़ बीन अ ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर लूनर एक्सप्लोरेशन सिंस द अपोलो एरा ओइंग टू इट्स सिमिलैरिटीज टू द लूनर टेरेन इंक्लूडिंग क्रेटर्स फॉल्ट्स एंड वोल्केनिक फीचर्स।
तो ये माना जा रहा है एस्ट्रोनॉट्स के थ्रू कि जो एटाकामा डेजर्ट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मून से लगभग मिलता जुलता है, इसीलिए आर्टेमिस के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्हें ट्रेनिंग दिया जा रहा है, मून वॉक कराया जा रहा है इस एटाकामा डेजर्ट में, ठीक है। तो ये गलत है, एटाकामा डेजर्ट नहीं है, एरिजोना डेजर्ट है, ठीक है, ये एरिजोना डेजर्ट में कराया जा रहा है, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद पहली स्टेटमेंट आपकी सही है, सेकंड स्टेटमेंट ये नॉर्थ पोल में नहीं, ये साउथ पोल में है, तो ये गलत हो गई। फर्स्ट वुमेन है, थर्ड सही है, फोर्थ गलत हो गई क्योंकि एटाकामा डेजर्ट नहीं, ये एरिजोना डेजर्ट है, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हुआ, आपका सही हो गया सिर्फ दो स्टेटमेंट आपकी सही है, ठीक है, चलिए, ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस करंट अफेयर का, कंसीडरिंग द फॉलोइंग पेयर्स विद रेफरेंस टू स्पेसिस एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन इंडिया। अभी क्या हुआ, IUCN जो है इन्होंने अपना कंजर्वेशन स्टेटस में एक कैटेगरीज निकाली है जिसमें एक्सटिंक्शन, इन्होंने 10 ऐसे जानवरों के नाम बताए हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, यानी कि वो विलुप्त ही हो जाएंगे, ठीक है, वो एकदम मर जाएंगे, मतलब आपको मिलेंगे भी नहीं, देखने को भी नहीं मिलेंगे। इसमें से 4 आपके भारत के अंदर हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं ये देखिए, करेक्टली ही पूछ रहा है, ठीक है। इंडियन बिसॉन जिसे गौर भी कहा जाता है ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, रेड पैंडा इंडेंजर्ड है, गंगा रिवर डॉल्फिन क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, लॉयन टेल्ड मैक्यो क्रिटिकल इंडेंजर्ड, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं, लेकिन एक खतरा बना हुआ है जो IUCN कह रहा है। तो आपका ये देखिए, ये आपका गौर है, ये आपका क्या आ गया, ये आपका रेड पांडा है, ये देखिए गंगा रिवर डॉल्फिन आ गया, ये आपका लॉयन आ गया, लॉयन, ठीक है, लॉयन वो शेर नहीं, लॉयन टेल्ड मैक्यू आ गया, ठीक है। अब चलते हैं इस पर, कौन कौन से हैं इसमें, वैसे ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ठीक है, सी करेक्ट है, सिर्फ एक ही गलत है, कौन सा गलत है ये देखते हैं। जो गंगा रिवर डॉल्फिन है ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, रेड पैंडा इंडेंजर्ड है, इंडियन बिसॉन क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, लॉयन टेल्ड मैक्यो इंडेंजर्ड है। तो देखो ये लॉयन टेल्ड क्या है, ये आपका क्रिटिकल नहीं है, ये इंडेंजर्ड है, सी सही है, सेकंड भी सही है, फर्स्ट भी आपका सही है, तो सिर्फ 3 आर करेक्ट, ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट, ठीक है। अब इसमें और कौन कौन से हैं ये देख लीजिए, एशियन एलिफेंट जो है वो इंडेंजर्ड है, वन हॉर्न रिनोसॉरस हमारे भारत में भी पाया जाता है क्रिटिकल इंडेंजर्ड, स्नो लीपर्ड क्रिटिकल इंडेंजर्ड, बंगाल टाइगर इंडेंजर्ड, रेड पांडा इंडेंजर्ड, एशियाटिक लॉयन इंडेंजर्ड, नीलगिरी तहार इंडेंजर्ड, इंडियन बिसॉन क्रिटिकल इंडेंजर्ड, लॉयन टेल मैक्यू इंडेंजर्ड, ठीक है जी। इसके साथ आज का करंट अफेयर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।